Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve this numerical. Basically this numerical is asked in 2022 of the NEET exam. Okay. The name of the chapter from which we took the this type of numerical, which is the organic compound which containing the halogen. Okay. So the reaction is like that: RmgX plus CO2 in the presence of dry ether gives Y, and Y further on react with H3O plus gives RCOH, carboxylic acid. ठीक है, so what will be the Y in above reaction? ठीक है, इस reaction में Y क्या होगा ये हमें यहां पर बताना है. ठीक है, अब ये एक प्रकार का जो रिएक्शन है, ये बेसिकली हमारा जो ग्रिगनार्ड रिएजन का रिएक्शन है. ठीक है, तो क्या होगा, ग्रिगनार्ड रिएजन जब हमारा CO2 पे रिएक्ट होगा, CO2 पे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होगा. यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर. ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा. फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इस तरह से प्रोडक्ट. ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव और यहां पर डबल बॉन्ड. ठीक है, और फिर बाद में ये जो हमारा आर एम जी जो है हमारा, ये क्या होगा, फर्दर इस पे रिएक्ट होगा. ठीक है, रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा इस तरह से एम जी है, दैट इज आर सी ओ ओ. ठीक है, और यहां पर आपका ओ, और ये एम जी जो है इसको क्या होगा, यहां पर अटैच हो जाएगा. ठीक है, आर एम जी, क्लियर है, यहां से बॉन्ड टूटने के बाद. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आर सी ओ एम जी एक्स. ठीक है, क्योंकि यहां पर ये क्या था, एक्स भी था. ठीक है, तो एक प्रकार का ये एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजन ऑन CO2 रिएक्शन है. तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी होगा. ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा. इस रिएक्शन में आपसे डायरेक्टली पूछा है कि व्हाट विल बी द वाई, मतलब क्या होगा, वो आपका ग्रिगनार्ड रिएजन का जो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज आर सी ओ ओ एम जी एक्स, ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या पूछा है हमें. एक रिएक्शन है, दैट इज ये क्वेश्चन हमें पूछा है 2021 के नीट के एग्जाम में. क्लियर है, तो एग्जाम में क्या पूछा है, देखिए एग्जाम्पल में क्या पूछा है, दैट इज सी एस थ्री सी एस टू सी ओ निगेटिव एन ए पॉजिटिव रिएक्ट विथ एन ए ओ एच, और आपको एन ए ओ एच के साथ क्या होगा वो हमें बताना है. ठीक है, और वो हमें क्या दे रहा है, दैट इज सी एस थ्री प्लस एन टू सी ओ थ्री. ठीक है, कंसिडर द अबो रिएक्शन एंड फाइंड आउट द मिसिंग वन. ओके, ये जो यहां पर मिसिंग वन यहां पर है उसको हमको फाइंड आउट करना है. पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास B2S6 रेड फॉस्फरस CaO और डेबाल L नाम का जो रिएजेंट होता है वो हमें यहां पर दिया है. तो बेसिकली बच्चों आपको पता होगा कि डी कार्बोक्सीलेशन नाम की जो रिएक्शन है, डी कार्बोक्सीलेशन जिसमें CO2 क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 is takes place. तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ये लाइम वाटर यानी एक्वियस NaOH और उसके साथ हमारा Ca कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन होती है. ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे इसमें मिसिंग क्या है, फिर अपना कैल्शियम ऑक्साइड. तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है. इट इज द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 विद द हेल्प ऑफ NaOH और आपका CaO.
और उसी रिएक्शन को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो पेंटीन फ्रॉम पेंटीन टू इन, और ये एग्जांपल पूछा है हमें नीट 2020 में। ठीक है, अब इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस कैसा होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा बीटा एलिमिनेशन जब होता है, क्या होता है बीटा एलिमिनेशन जो होता है, जैसे कि यहां पर हमें किसका दिया है टू ब्रोमो दैट इज CH3 CH2 CH, और यहां पर आपका ब्रोमीन, और आपका पर यहां पर CH3 टू ब्रोमो पेंटीन दिया है। ठीक है, दैट इज CH2 और ये फाइनली आपका CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिएजेंट है। ठीक है, तो टू ब्रोमो पेंटीन है हमारा। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो हमें क्या मिल रहा है पेंटीन टू इन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये एक प्रकार का बीटा एलिमिनेशन का रिएक्शन है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन, ये है आपका अल्फा कार्बन एटम और ये आपका बीटा कार्बन एटम, और ये भी आपका क्या है बीटा कार्बन एटम। तो इसमें क्या होता है हाइड्रोजन एटम वहां से रिमूव होता है, बीटा कार्बन में से, उस बीटा कार्बन में से रिमूव होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है ज्यादा होती है। जैसे आपकी एक बीटा कार्बन है और ये एक बीटा कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। ठीक है, और ये जो HBr है हमारा, HBr क्या हो जाएगा माइनस HBr बोल के रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमें 2-pentene मिलेगा। लेकिन ये जो रिमूवल ऑफ जो हमारा HBr है वो विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से हो रहा, जो हमारा Zaitsev रूल्स है उसके हेल्प से हो रहा। ठीक है, तो ये जो रिमूवल ऑफ हुआ है दैट इज Zaitsev रूल्स। ओके, सो दैट्स व्हाई बीटा एलिमिनेशन, और उसके बाद क्या हो रहा है यहां से जो रिमूवल है दैट इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन के बाद हमें क्या मिल रहा है, बीटा एलिमिनेशन किसके हेल्प से हो रहा है, कौन से रूल से हो रहा है, दैट इज Zaitsev रूल्स, और बाद में क्या हो रहा है दैट इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, और हमें क्या मिल रहा है दैट इज CH3 CH2 और आपका CH2। ठीक है, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड, क्लियर है CH डबल बॉन्ड और आपका ये CH2। ठीक है, दैट इज 2-pentene हमें यहां पर मिल रहा है। सो आई होप ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा 1, 2, 3 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन, Zaitsev रूल्स और डी हाइड्रो जेलिनेशन। ओके, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या पूछा है देखिए, इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टाइप्स RBr और प्लस Cl इन द DMF गिव्स RCl, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी रेट। AIPMT 2012 में ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ठीक है, 2012 में नहीं, सॉरी 2003 में पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा जब अप्रोटिक क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है, अप्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है जैसे कि यहां पर है DMF। ठीक है, तो जो हमारी SN2 रिएक्शन है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इसकी रिएक्टिविटी आपको पता होगी जो प्राइमरी है, प्राइमरी में क्या होती है, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी। ठीक है, और सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शरी, इस तरह से होता। तो प्राइमरी सबसे ज्यादा होता है, उसमें ये ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है SN2 रिएक्शन की। तो इस तरह से आपको प्राइमरी कौन सा दिख रहा है यहां पर, दैट इज CH2 CH3 CH2 Br। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। SN2 रिएक्शन में CH3 CH2 और Br, ये जो है हमारा, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडरगो द SN2 रिएक्शन विथ OH,
नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जिसका भी कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, वो क्या होगा, SN2 रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। और आप देख रहे होगे कि इसका भी कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल है, इसका भी कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल है, इसका भी कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल है, लेकिन हमारा ये जो है दैट इज ये वो जो कंपाउंड हमारा CH2 और हमारा CH2, ठीक है, ये कार्बोकैटायन क्या है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहां पर क्या है, ये जो फिनील ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट यहां पर लगाता है, दैट्स वाई ये जो ऑप्शन नंबर सी है इट विल नॉट अंडरगोज द SN2 रिएक्शन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो SN2 रिएक्शन में जाएगा नहीं, बिकॉज उसका जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद पूछा है हमें रिएक्टिविटी, ये 2021 में पूछा है नीट के एग्जाम में, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हलाइड फॉर द हाइड्रोहैलोजिनेशन इज, जो हलाइड होते हैं हमारे उनकी हाइड्रोहैलोजिनेशन में वो कितने जल्दी जा सकते हैं वो हमें यहां बताना है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो जल्दी से क्या होगा, हाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में जाएगा, बिकॉज उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई हमारा जो आर आई है इट इज मोर रिएक्टिव देन आर बी आर, आर बी आर इज मोर रिएक्टिव देन आर सी एल, आर सी एल इज मोर रिएक्टिव देन आर एफ, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है, दैट इज आर आई मतलब अल्किल आयोडाइड की इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, और सबसे कम जो होगा हमारा आर एफ होगा, तो ऐसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है, ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। सो दैट्स why आर आई इज मोर रिएक्टिव देन आर बी आर, आर बी आर इज मोर रिएक्टिव देन आर सी एल, आर सी एल इज मोर रिएक्टिव देन आर एफ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। हाँ, दैट इज क्या है कि एक कंपाउंड हमें दिया है, दैट इज आर सी एच थ्री सी एच इज रिएक्टिव रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस मिलेगा आगे, ठीक है। तो आपको पता है इस तरह के रिएक्शन में डी डी टी हमें मिलता है, वो रिएक्शन में यहां पर आपको लिखकर बताऊंगा, ठीक है। सो दैट इज वो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से हम ये दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन यहां पर लिखेंगे, ठीक है। यहां पर एक क्लोरोबेंजीन आपका, ठीक है, और इधर से एक क्लोरीन और यहां से एक क्लोरीन, क्लियर है। और ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल यहां पर इसका, क्लियर है। और एक्चुअली जो ये रिएक्शन होती है ये हाइड्रोजन के साथ होती है, इसका एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। रिमूव होने के बाद यहां पर ये हमें क्या मिलता है, दैट इज डी डी टी, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक प्रकार का ये मॉस्किटो रिपेलेंट बोलकर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। और लास्ट की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज MgBr react with CO2। पहले रिएक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला जो क्वेश्चन था, और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस एंड व्हाट विल बी द P। इस रिएक्शन में आपको P बताना है क्या है। तो ये AIPMT 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट इज बेंजीन रिंग, क्लियर है। MgBr ग्रिगनार रिएजन है, ठीक है। ग्रिगनार रिएजन की रिएक्शन किसके साथ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पहले ये क्या होगा, पोलराइज होगा, पोलराइज होने के बाद ये हमें मिलेगा इस तरह से प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये एक कार्बन जिस तरह से होगा, ठीक है। अभी MgBr क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर रिएक्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट विल गोस नेगेटिव,
ठीक है, और निगेटिव पार्ट विल गो पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, दैट इज सी, ठीक है, ये यहाँ पर आपका, और यहाँ पर ओ था तो ये दैट इज एम जी बी आर, क्लियर है, और यहाँ पर आपका सी ओ जो है इस तरह से आपका ये सी ओ यहाँ पर, क्लियर है। तो बाद में क्या होगा, ये जो है इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बाहर निकल जाएगा यहाँ से बॉन्ड टूटने के बाद, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, और फाइनली हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बेंजा अल्डिहाइड, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है दैट इज द आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये रिएक्शन होगी, एम जी बी आर कार्बन डाइऑक्साइड पे रिएक्ट करेगा, इस तरह से वो पोलराइज होगा, पोलराइज होने के बाद ये एम जी बी आर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, दैट इज एच थ्री पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और हमें बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा दैट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। रिमेनिंग चैप्टर के नोट्स हम बाद में प्रिपेयर करेंगे। ओके।